नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि अगर आपको लगता है कि आप मुसीबत में आपकी कोई मदद कर सकता है तो उससे मदद मांग लेना चाहिए। अगर आप उससे मदद नहीं मांगेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन हम कभी कभी जो हमारे सच्चे साथी होते हैं उनकी मदद मांगना भूल जाते हैं। हम बुरे वक्त में क्या सोचते हैं कि कोई हमारी मदद ही नहीं कर सकता, जबकि हमें एक बार प्रयास लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और अपने चित परिचित सभी से मदद मांग लेनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पिता के साथ गार्डन में खेल रहा था। गार्डन में खेलते खेलते उसके पिता उसको एक संदेश देना चाहता था, एक मैसेज। उसके पिता ने बच्चे से कहा, बेटा तुम वो पत्थर देख रहे हो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम्हें उस पत्थर को हटाना है। मैं मानता हूँ कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, उसको तुम हटा नहीं सकते, लेकिन तुम अगर कोशिश करोगे तो वो पत्थर को हटा सकते हो। बच्चे ने बोला ठीक है। बच्चा उस पत्थर को हटाने के लिए प्रयास करता है। पहली बार वो विफल हो जाता है, दूसरी बार भी वो विफल होकर नीचे गिर जाता है। उसके पापा को बोलता है कि पापा आपने मुझे इतना कठिन काम क्यों दिया, कुछ नहीं होगा। उसके पिता ने कहा कि बेटा ये तुमसे होगा, तुम मेहनत तो करो, तुम कोशिश तो करो। बच्चा ने वापस कोशिश करता हुआ तीसरा बार पसीना में लथपथ होकर नीचे गिर गया। अब की बार वो बच्चे ने पिता से कहा मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता। उसके पिता ने कहा कि तुम जो भी तरीका अपना सकते हो अपना लो, लेकिन बस तुम्हें ये दिमाग से इस पत्थर को हटाना होगा। अब बच्चे ने वापस प्रयास किया, चौथी बार उसने प्रयास किया लेकिन वो भी फेल हो गया। अब उसने हार मान ली और वहाँ पर वो बच्चा रोने लगा। उसने कहा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, आपने मुझे इतना कठिन काम क्यों दिया। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम उस पत्थर को हटा सकते थे, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम एक बार मुझसे कह तो देते, तुम्हारी मैं हेल्प कर देता, लेकिन तुमने मुझसे कहा ही नहीं। यही तो वो चीज़ है, अगर कोई काम तुमसे नहीं हो रहा है तुम अपने पिता से हेल्प मांग सकते थे कि नहीं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या संदेश पकड़ में आ गया? जब भी हम मुसीबत में होते हैं, हमें लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, तो कोई बात नहीं यार। आपको लगता है कि मुश्किल परिस्थिति में आपके कौन काम आ सकता है, आप उनसे मदद मांगिए, हो सकता है वो आपको मदद कर दे। आपकी मदद के लिए बैठे हो जो, आपकी पहली मदद कर चुका है जो, वापस भी आपका मदद जरूर करेगा। इस बात में विश्वास रखिए और अपनों की मदद मांगने में उम्मीद पूरी पूरी रखिए। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की कहानियां देखना चाहते हो तो मोक्ष JPS में आपका स्वागत है। इस कहानी को देखने के लिए और आपकी कीमती समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद KGT।